हेलो नमस्कार, विराट क्लासेज में आप सबको स्वागत है। आज का जो वीडियो है बीपीएससी तैयारी 3 में जितने अभ्यर्थीगण भाग लिए थे, तो कल एक वीडियो हमने जारी किया था 9th-10th के कटअप को लेकर के। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन, बहुत सारे साथीगण का ये कहना था कि सर 6th-8th का भी कटअप जारी कीजिए, तो आज हम 6th-8th का कटअप लेकर के आए हैं। आप लोग देखेंगे और देख करके बताएंगे कि हाँ इसके अंतर्गत में हम हैं कि नहीं हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप देखिएगा, और पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको नमस्कार करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भगवान है नहीं। आप अनाप शनाप नहीं बोलेंगे कमेंट में। रीज़न ये है कि जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आया है तब से बच्चों में खलबली मच गई है। सर मेरा 3 नंबर नीचे चला गया, कोई 4 नंबर, कोई 5 नंबर नीचे चला गया, समझ गए। और वैसे बच्चे आपको बहुत मिलेंगे, वैसे अभ्यर्थी भी बहुत मिलेंगे, जब यूट्यूब पे सबका एक अपना रिव्यू लेते हैं कि आप बताइए कि कितना अटेंड करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों को कहना होता था कि सर मेरा 85 है, मेरा 90 है, कोई 92 है, लेकिन जब प्रोविजनल आंसर की आया तब पता चला कि मेरा नंबर जो है इतना नीचे आ रहा है। तो मैं जितने भी अभ्यर्थीगण हैं जो वीडियो देखेंगे, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, ये आपका एक सटीक कटअप है, नहीं कि मतलब जो हम बोलेंगे वही हो जाएगा। अगर हो जाता है तो अति सुंदर है, क्योंकि मंथन करने के बाद ही आपको कटअप दे रहे हैं। तो आइए आज 6th-8th का कटअप लेकर के आए हैं। सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि फाइनल कटअप ऑफ क्लास 6th-8th, जिसको आप जूनियर भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत में देखते हैं जो टोटल वैकेंसी है वो 31,982 है। इसका कुल सीट जो है 31,982 है। टोटल स्टूडेंट इसमें जो अपीयर हुए थे वो लगभग 3 लाख के ऊपर थे, 3 लाख के आसपास थे। आपको पता है कि लगभग 78% बच्चे प्रेजेंट हुए थे, और इसमें मान लिया जाए तो 22% बच्चे जो है एब्सेंट थे। और आपको पता है कि यहाँ फीमेल का 50% आपको रिजर्वेशन भी है, क्योंकि TGT और PGT में 35% है, लेकिन 1-5 और 6-8 में 50% रिजर्वेशन है, वो भी सिर्फ जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो महिलाओं के लिए। क्लियर, आगे चला जाए। आप देख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहार एंड अदर स्टेट। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिए हैं वो बिहार के बच्चे हैं और अदर स्टेट का, तो बिहार के कितने हैं और अदर स्टेट के कितने हैं। बिहार को देखा जाए तो आप देख सकते हैं 1.10, 1,10,000 के अप्रोक्स, मतलब माना जाए तो 40% बच्चे जो हैं बिहारी हैं, यानी बिहार के थे जो लगभग 1,10,000 बच्चे अप्लाई किए थे। और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो 1,90,000 बच्चे अदर स्टेट के अप्लाई किए हैं, जो आपको तकरीबन कुल में 60% होते हैं, यानी 60% बच्चे बिहार के, अदर स्टेट के बच्चे, सॉरी 60% बच्चे अदर स्टेट के और 40% बच्चे बिहार के हैं। ये आपका अप्लाई था। मैं आगे देखना चाहता हूँ, ये आपका बता चुके थे, ये भी हो गया। यहाँ देखिए वर्ग 6-8 कटअप जो डिपेंड करेगा, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 भाग थे। भाग 1 में लैंग्वेज, भाग 2 में जनरल पेपर, भाग 3 में आपका अपना सब्जेक्ट था। तो ये भाग 1 को मैं बता देता हूँ, टोटल जो क्वेश्चन नंबर है 150 था। भाषा जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश लेते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग पेपर इसको कह सकते हैं, इसमें सिर्फ पास होना आता है, नहीं कि ये वाला नंबर आपको जुटेगा वहाँ। इसका लेवल जो था लैंग्वेज पेपर का वो मॉडरेट टू हाई था, इजी नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा इजी नहीं कह सकते हैं। इसमें भी मेरे साथीगण 5-10% बच्चे लैंग्वेज भी फेल हैं, 5-10% बच्चे लैंग्वेज भी फेल हैं। इसमें पासिंग मार्क्स 9 नंबर लेकर के आना था, 9 नंबर भी बहुत सारे बच्चे नहीं लेकर के आए हैं।
क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए अब है भाग टू, जो 40 मार्क्स था, ये नंबर आपको जुटता है मेरिट में, मेरिट बनाने के लिए ये नंबर आपका जुटेगा। इसका लेवल भी जो है आप नॉर्मल नहीं कहेंगे, इजी नहीं कहेंगे, आसान नहीं कहेंगे, ये जो है मेरे साथीगण मॉडरेट था। यदि अगर हम लोग शिक्षक हैं, तुरंत आकर के और डायरेक्ट बताने के बाद अगर हम लोग के एग्जाम में बैठा दिया जाता, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठ करके फेंक रहे हैं। लेवल इसका मॉडरेट था, ठीक है, लेवल क्या था, मॉडरेट था। आपने देखा आप लोग एग्जाम दे करके आने के बाद मिलाए भी थे, तो कुछ क्वेश्चन से त्रुटियाँ पाई गई है, जो यूट्यूब से बताया गया उसमें भी आपको कमी पाया गया है, समझ में आ रही बात। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो लेवल था वो आपका मॉडरेट था, आसान नहीं कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स देखा जाए कि इसमें कितना मार्क करके आए हैं, आप एक शिक्षक विद्यार्थी हैं तो आपको भी पता होगा कि आप जनरल पेपर में 22, 23, 24, 25, 26, यानी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा 25 से कोई 23 कोई 24 बता रहे हैं, 20 से 30 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं जनरल पेपर में, वो भी 30 हाईएस्ट हम बता दे रहे हैं, यानी 20 से 30 के बीच हमको सुनने के लिए मिल रहा है। क्लियर, अब ये सेकेंड भाग था। थर्ड भाग आप जानते हैं 80 मार्क्स होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड वाला यानी भाग थ्री में आपका सब्जेक्ट होता है जो 80 मार्क्स होता है, ये इसके अंतर्गत में हम सबसे पहले मैं बताता हूँ SST का। SST के अंतर्गत में जो हिस्ट्री है वो आपका मॉडरेट था, आसान नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक्स इसके अपेक्षा थोड़ा मान लिया जाए इजी, लेकिन हम उसको इजी उसको भी नहीं कहेंगे, उसको भी हम मॉडरेट में शामिल किए हैं। और ये पॉलिटी जो था वो भी जो था आपको मॉडरेट था। ज्योग्राफी जो था ये और मॉडरेट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें डेट बेसिस यानी एक डाटा बेसिस क्वेश्चंस था, इसे भी हम मॉडरेट कहेंगे। तो आप लेवल देख रहे हैं क्वेश्चंस का, तो आप कैसे कह सकते हैं इसका जो कटअप जाएगा 90, 95 और 92 जाएगा। क्लियर, अब चलिए आगे चलते हैं, प्रूफ देख लेंगे। आइए सबसे पहले मैं आप लोग को वर्ग 6-8 में गणित एवं विज्ञान में छात्रों की कोटिवार कुल संख्या में बता देता हूं कि जो आपका विभाग जो है कोटिवार जो संख्या है सीटों का वो कितना है मेल का और कितना है फीमेल का। आप देखेंगे तो कास्ट के अंतर्गत में UR, EWS, BC, EBC, SC, ST, विकलांग और एक जो सैनिक वाला होता है वो हम इसमें नहीं ऐड किए हैं, उसे आप ऐड कर लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि अगर आप यूअर कैंडिडेट से मेल है तो मेल के लिए 2272 सीट है, EWS के लिए 580, BC के लिए 678, EBC के लिए 1018, AC के लिए 907 और ST के लिए 54 सीट है। कुल मेल के लिए जो सीट है 5850 है। क्लियर, अब रह गई बात फीमेल का, तो फीमेल में UR कैटेगरी के लिए 2315 सीट है, EWS के लिए 561, BC के लिए 694, EBC के लिए 1042 और AC के लिए 925, ST के लिए 71, कुल जो है 5608 सीट। ये आपका SST के सॉरी गणित और विज्ञान के अंतर्गत में था, गणित और विज्ञान के अंतर्गत में। इसमें मैंने छोड़ दिया अभी विकलांग और सैनिक वाले जो है सो उसको भी ऐड कर लेंगे। चलिए ये आपका सीट था। अब आगे देखा जाए ये इसका मैं मैथ और साइंस का जो कटअप लेकर के आए हैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि कटअप सटीक हो सकता है। अगर आप इसके अंतर्गत में नहीं आ रहे हैं तो आपको दुख होगी, हमें पता है, लेकिन दुख क्या, आप अगले के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथीगण ये जो मैं कटअप बता रहा हूँ विदाउट बैकलॉग, आप जान रहे हैं कि बैकलॉग की सीट 9th-10th वाला में 3 तारीख के पेपर में दर्शाया गया था, लेकिन अभी हम जूनियर और PRT के लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन यदि अगर बैकलॉग की सीट जुड़ी जाती है तो इससे भी कटअप 5-5 नंबर आप लोग कम कर लीजिएगा। क्लियर, आप यदि UR से हैं, जनरल से हैं और मेल हैं, अगर आपका 78 से 80 के बीच में आ रहा है बिंदास, दीपावली में आपके घर में बिल्कुल ज्योति जलेगी, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि आप ज्योति हैं, क्या ज्योति नहीं है, लेकिन आपका एक एनालिसिस दे रहे हैं, जो बच्चे YouTube पे छेड़छाड़ कर रहे हैं उन्हें संतुष्टि के लिए आपको ये मिल जा रहा है। और ये संतुष्टि ही नहीं, एक रियल कटअप मेरे तरफ से है। क्लियर,
लेकिन बार बार कमेंट गलत करते हैं, दिल दुखता है, मन नहीं करता है कि बनाएं, लेकिन बहुत सारे फोर्स करने के बाद हमें वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत में जनरल 78-80 के बीच में आप हैं या इससे ऊपर है, बिल्कुल सेफ है आप। महिला है तो 68 से 70 के बीच में आपका आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। EWS मेल 69 से 71, फीमेल 61 से 63, BC 71 से 73 मेल का और फीमेल का 63 से 65, EBC मेल 67 से 69, EBC फीमेल 59 से 61, AC मेल है 63 से 65 के बीच बिल्कुल सेफ है, AC फीमेल है तो 57 से 55 के बीच में, ST मेल है तो 65 से 57 और फीमेल है तो 58 से 60। देख लिया आप सीट के अनुसार सबका एक कटअप है। मैंने बताया बैकलॉग सीट अगर TRE1 और TRE2 का जुड़ता है तो आपका नंबर इसमें 5-5 नंबर घटा लीजिएगा। क्लियर, मैं आगे बढ़ूं। अब आइए यहां देखा जाए तो ये 6-8 में गणित एवं विज्ञान में छात्रों की कोटिवार कुल संख्या, इसके पहले जो हमने बताया वो आपका था SST का, ये आपका है इसका गणित एवं विज्ञान का 2272 की बता दिए थे, इसके बारे में शायद बता दिए है, मैथ साइंस का कटअप बता दिए। हाँ आइए, सामाजिक विज्ञान छात्रों की कोटिवार कुल संख्या कितनी है ये आप देख लेंगे। सामाजिक विज्ञान में कोटिवार आपका सीट क्या है, क्योंकि सीट के अनुसार ही आपका कटअप जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसे आप देख लीजिए गौर से कि यदि अगर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में देखेगा तो SST के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1625 सीट है, EWS के लिए 1415 सीट है और BC के लिए 484 और EBC के लिए 728, AC के लिए 645, ST के लिए 36। ये आपका मेल था, फीमेल के लिए UR 1663, EWS 402, BC 496, EBC 748, AC 667, ST 60 है। टोटल कैंडिडेट जो है फीमेल में 4036 है, ऐड करोगे लगभग तो आप देख रहे हो 8 है, यानी लगभग तो 8000 से प्लस है। इसमें भी विकलांग सैनिक वाला छोड़ दिया गया है। ये आपका कैटेगरी वाइज सीट की संख्या थी। अब मैं दिखाता हूँ इसका कटअप, कटअप देखेंगे मेरे साथीगण। तो कटअप में देखा जाए SST का जो 6-8 का कटअप है ये आपके सामने है, ये कास्ट हो गया मेल और फीमेल का। ठीक, दिल थाम के बैठना है, यदि इसमें आ रहे हैं तो बिंदास रहिए, नहीं आ रहे हैं तो TRE4 जल्द आने वाला है, उसमें आप शामिल रहिएगा। ठीक है, हमें पता है कि बच्चे कितना मेहनत करते हैं और अभी आप लोग का दिल कितना धड़क रहा होगा, गारंटी है कि 70-72 तो किसी को नहीं होगा, हमें पता है। आप लोग का जो दिल का धड़कन है वो इससे एवा भी है, ऊपर ही है, लेकिन उसे थाम कर बताइए। आप जब थ्री इडियट मूवीज देखे होंगे उसमें हमेशा आमिर खान कहते थे ऑल इज वेल, आपको भी ऑल इज वेल बोल करके अपने दिल को समझाना है, और यदि इसके अंतर्गत आ रहे हैं तो बिंदास है मेरे तरफ से। SST का एग्जाम दिए हैं आप, मेल है, UR कैटेगरी है, 77 से 79 आ रहा है, आप बरसात में भी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यदि आप फीमेल हैं और 69 से 71 आ रहे थे बिल्कुल सेफ हैं, EWS है 69-71 के बीच आ रहा बिल्कुल सेफ आप हैं, और मेल है तब फीमेल है तो 62 से 64, BC मेल 70-72, फीमेल 63-65, EBC मेल 65-63 और BC फीमेल 61-63, AC जो है मेल कैटेगरी है, यदि 60 से 62 आ रहा मजे में है, और AC फीमेल है तो 53 से 55 आ रहा था बहुत मजे में है, ST मेल जो है 62 से 64 और ST फीमेल 54 से 56 के बीच में है, बिंदास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यह है वर्ग 6-8 में हिंदी में छात्रों की कोटिवार कुल संख्या। पहले मैं कोटिवार कुल संख्या दिखा दे रहा हूं कि आपका सीट क्या है, उसके बाद आप जैसे पूरा और डिटेल नहीं दे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो मेरे पास बहुत डिटेल है, वो डिटेल देने लगूंगा कि हाँ कितना फाइट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बहुत लंबा होगा, आप उब जाओगे, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना करके आपके बीच में पेश कर रहे हैं। कैसा लगेगा ये भी बताइएगा और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही लहती है टीचर लोग का सच पूछिए तो ठीक है, यही लहती है, इसी में क्या है, अब परफेक्ट जो बात है उसको बोल देंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सही बात है, तो यही बात है, क्योंकि देखिए और पढ़ाई का वीडियो मैं डालता हूँ
तो जा नहीं पाता है, लेकिन आप लोग जो ऐसे छेड़छाड़ इतना कर रहे हैं कि अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और ये जो मेरा एनालिसिस किया हुआ है इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे, विचार करेंगे कैसा है नहीं है। आप प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। यदि अगर आप जनरल हैं और मेल हैं तो आपका जो सीट है 669 है, फीमेल का 716। EWS के अंतर्गत मेल वाले के लिए 177 है, फीमेल वाले के लिए यानी जो मादाएं हैं, महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनका 163 है। BC के लिए 197 है और मेल के लिए, फीमेल के लिए 219 है। EBC के लिए जो है मेल के लिए 299, फीमेल के लिए 320 है। AC मेल 268, फीमेल 283। ST मेल 10 और फीमेल 38, फीमेल हमेशा आगे रहते हैं। कुल सीट की संख्या देखा जाए तो मेल का संख्या जो है वो आपका 1722 है, और यहाँ देखा जाए फीमेल का 1739 है। ये आपका सीटों का संख्या था, कोटी बार मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे कटअप की ओर। ये देखा आपका कटअप रहा, कटअप देखेंगे हिंदी 6-8 का। तो यदि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, 80-82 के बीच में आ रहा है, 80 और 82 के बीच आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, सही हैं। यदि अगर फीमेल हैं 70-72 के बीच में आ रहा है, मस्त रहिए आप। AWS हैं 72-74 के बीच, इससे ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, 1-2 नंबर नहीं लेके चलिएगा। इन्हें क्या कहा, हम 72 डाले हैं, अब आपका 71 पर सिलेक्शन हो गया तो कई बात बोल के रख दीजिएगा, नहीं 1-2 नंबर आगे पीछे चलेगा। ठीक है, और फीमेल जो है 65-63 के बीच आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। BC मेल 73-75, फीमेल 66-68। EBC 69-71, मेल और फीमेल 63-65। AC जो है मेल 60-62, फीमेल 57-59। ST 62-64 और फीमेल 59-61। कैसा आपको लगा ये कट ऑफ, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अगर आपको और किसी वीडियो का कट ऑफ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, लेकिन निगेटिव लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, स्वागत रहेगा हमेशा विराट क्लासेस में। यदि अगर आपको सिलेक्शन होती है तो एक बार आप ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना नहीं भूलिए। कितना ही मंद आ रहे हैं देख लो, नंबर आपका चल रहा है स्क्रीन पे, है ना। तो कोशिश करते हैं हम कि जो भी जवाब दें आपका वो सटीक दें, तो आप थोड़ा सा हमारी इमोशन के साथ न खेलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।